हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 5 का पार्ट सेकंड, दैट इज योर मैराथन सीरीज यूनिट 5 पार्ट सेकंड। ठीक है, इसके साथ ही आपका जो मैराथन सीरीज है 5 यूनिट्स का, वो कंप्लीट हो जाएगी। एंड इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों मैं इसके एमसीक्यूज जो है वो लेके आऊंगी। उसके बाद स्कीम्स हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका स्पेशलाइजेशन का सारा जो रिवीजन है वो भी ओवर हो जाएगा। एंड स्पेशलाइजेशन का सारा सिलेबस मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवाया हुआ था। जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहले उनके लिए थोड़ा इंट्रोडक्शन। इस पे मैं कोर्सेज लेके आ रही हूँ आपके JKSSB एंड आपके सिविल सर्विस एग्जाम के। ठीक है, जिसमें आपका KS है एंड UPSC ऑप्शनल। ठीक है, तो अगर आप JKSSB सुपरवाइजर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ठीक है, तो SSB में हमारा सुपरवाइजर में स्पेशलाइजेशन कंप्लीट हो गया है, वो सारा सिलेबस मैंने कवर करवाया हुआ है। करंटली हमारी मैराथन कम रिविजन सीरीज इसमें चल रही है, मैराथन कम रिविजन। एंड 4 यूनिट्स कंप्लीट हो गए हैं। आज यूनिट 5 का मैराथन चलेगा, इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हो गया है, आज लास्ट पार्ट रहता है। इसके बाद हमारी स्कीम्स रिवाइज होंगी एंड साथ में हमारा एमसीक्यू सीरीज जो है वो भी चल रही है। प्लस मैंने एक सेपरेट वीडियो डेफिनेशंस का लाया हुआ है, वो भी आपको मेरी चैनल पे दिख जाएगा। डेफिनेशंस का मैंने आई थिंक कल ही अपलोड किया है वो। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि हम डेफिनेशंस कैसे करेंगे। तो मैंने काफी आपको उसमें निमोनिक्स और इनोवेटिव तरीके से बताया हुआ है कि आप कैसे ये डेफिनेशंस जो है वो याद करेंगे। आपको बहुत ज्यादा डेफिनेशंस याद नहीं करनी है, कुछ करके जाओ एग्जाम में आए तो एटलीस्ट कुछ आप सॉल्व कर पाने चाहिए, लेकिन ज्यादा डेफिनेशंस पे टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, वो एक वीडियो देखो, जितनी उसमें डेफिनेशंस है बस उतनी काफी है। और डेफिनेशंस भी हमारा हो गया। ठीक है, साथ में हमने हिस्ट्री कवर किया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन भी कवर हो गया है। हिस्ट्री का जो मैंने एमसीक्यू का पार्ट 1 वीडियो है वो भी अपलोड किया हुआ है। ठीक है, जिसमें हमने एमसीक्यू से ऑलमोस्ट 50% ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो रिवाइज किया हुआ है। एंड पार्ट 2 भी मैं उसका एक दो दिन में अपलोड कर दूंगी। ठीक, तो ये सारी चीजें अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं, आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल है आपका, एंड आप यूपीएससी स्टेट पीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि उसमें मैंने नितिन सांगवान एसेंशियल सोशियोलॉजी पेपर ए कम्प्लीट करवाया हुआ है एंड पेपर बी के बस 4 चैप्टर्स रहते हैं। प्लस आने वाले टाइम में आप नायब तहसीलदार या कॉन्स्टेबल ऐसे जो भी एग्जाम आएंगे उसके रिलेटेड वीडियोज भी देखेंगे एंड जनरल स्टडीज आपके KS का, उसके वीडियोज भी मैं इस चैनल पर डालूंगी। ठीक है, तो अगर आप सारी चीजें मिस नहीं करना चाहते हैं, आपको पता है आपको क्या करना है, आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स में भी इस चैनल को शेयर करें एंड थोड़ा बहुत प्रमोट करें। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम आज का मैराथन स्टार्ट करते हैं। सम एडिशनल मेथड्स फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ फूड। तो फूड प्रोसेसिंग मैंने आपको कहा होता है कि हम रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट, फिनिश्ड फूड जो है वो बनाते हैं, फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, एंड उसके मेथड्स हमने पढ़ लिए थे अभी तक, जैसे हमने पास्चराइजेशन वगैरह कर लिया। ठीक है, कोल्ड हीट प्रिजर्वेशन, कोल्ड प्रिजर्वेशन, वो सारी चीजें हो गई। तो कुछ एडिशनल मेथड्स भी हैं जो यहाँ पे आपके लिए एक बारी पढ़ना जरूरी है, हो सकता है इनमें से भी कोई एमसीक्यू आ जाए। तो लिक्विफैक्शन सिंपल क्या होता है, किसी भी सॉलिड फूड को हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑरेंजेस से हम ऑरेंज जूस बना रहे हैं, दैट इज लिक्विफैक्शन। एमल्सिफिकेशन क्या होता है, ये फूड बाइंडर्स होते हैं, फूड बाइंडर्स। फॉर एग्जाम्पल आपको आइसक्रीम खानी है तो आइसक्रीम में सिर्फ क्या होगा आपके पास, मिल्क। अगर आपको मिल्क दे दिया जाए, मिल्क, फैट, शुगर, क्या आप उन सबको मिक्स करके आइसक्रीम बनाओगे? नहीं, वो एक लिक्विड टेक्सचर जैसा बनेगा एंड आइसक्रीम का थिक टेक्सचर होता है। आपको इन सब चीजों को बाइंड करवाना है आपस में, तो हम नेचुरल बाइंडर भी यूज कर सकते हैं, जैसे एग योक आपका अच्छा बाइंडर है, एग योक, या हम सिंथेटिक जिनको केमिकल बाइंडर्स बोलते हैं, स्टेबलाइजर्स उनको बोला जाता है, वो भी ऐड कर सकते हैं। मिक्सिंग जो सिंपल इसका लिटरल मीनिंग है, जिससे हम फॉर एग्जांपल पाउडर और लिक्विड को मिक्स करके कोई एक फाइनल प्रोडक्ट बनाए, दैट इज मिक्सिंग। गैसिफिकेशन हो गया, गैस ऐड करना। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है चिप्स का पैकेट। अगर आप चिप्स का पैकेट खोलेंगे तो आप देखेंगे उसमें थोड़ी स्मेल जैसी होती है, एकदम जो ही हम पैकेट खोलते हैं स्मेल आती है, तो वो किसकी स्मेल है, वो नाइट्रोजन की होती है। ठीक है, अब नाइट्रोजन उसमें क्यों ऐड किया होता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो लीस्ट रिएक्टिव गैस है। चिप्स में पैकेट जहां होता है, चिप्स जिन पैकेट में चिप्स होता है, कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वैसे तो हम रिमूव कर देते हैं, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो रह जाता है उसमें, तो उसके साथ आपका नाइट्रोजन जो है वो रिएक्ट नहीं करता। अदरवाइज क्या हो जाएगा, चिप्स जो होंगे वो ऑक्सीडाइज करेंगे एंड वो खराब हो जाएंगे। तो इससे नाइट्रोजन ऐड करने से क्या होता है, चिप्स जो चिप्स होते हैं वो क्रिस्प उनका मेंटेन रहता है एंड वो फ्रेश रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज प्रूफिंग। प्रूफिंग को समझने के लिए पहले हम देखते हैं फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होता है।
फर्मेंटेशन में क्या होता है, इसमें यीस्ट यूज होता है। यीस्ट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के साथ एक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट से रिएक्ट करता है एंड कोई गैस प्रोड्यूस करता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन का। जब ये चीज हम डो के साथ यूज करते हैं, जो बेकर्स होते हैं आपके, ठीक है, वो डो के साथ क्या करते हैं, उसमें यीस्ट ऐड कर देते हैं एंड यीस्ट क्या करता है, जो नेचुरल शुगर प्रेजेंट होता है डो में, उसके साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। वो गैस रिलीज करने से डो क्या होता है, फूल जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको भी प्रूफिंग बोलते हैं, या इसको प्रूविंग भी बोला जाता है। ठीक है, एक तो ये होता है एंड सेकेंडली उसके बाद हम शेप कर लेते हैं डो को। उसकी शेपिंग के बाद एक सेकेंड प्रूफिंग भी हम कर, मतलब जो बेकर्स होते हैं प्रोफेशनल बेकर्स, वो सेकेंड प्रूफिंग टेक्निक भी करते हैं, ताकि दोबारा से क्या करे, वो रिएक्ट करवाए ऐसे यीस्ट को एंड थोड़ा सा शेप करने के बाद वो थोड़ा और फूल जाए। ठीक है, चलो तो सेकेंड प्रूफिंग याद ना भी रखो, यहाँ पे फर्मेंटेशन और आपको ये पता होना चाहिए प्रूफिंग किससे रिलेटेड है। तो फर्मेंटेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जो यीस्ट कार्बोहाइड्रेट से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, एंड प्रूफिंग स्पेसिफिकली किससे रिलेटेड है, आपके डो से। जब ये प्रोसेस हम डो पे अप्लाई करते हैं बेकर्स, दैट इज कॉल्ड एज प्रूफिंग, या इसको प्रूविंग भी कहीं कहीं पे लिखा होता है। ठीक है, स्प्रे ड्राइंग क्या होता है, लिक्विड को पाउडर में, पाउडर फॉर्मेट में चेंज करना। तो कौन से फूड होते हैं जो पाउडर फॉर्मेट में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें मिल्क से मिल्क पाउडर बनाना है, ठीक है, मिल्क पाउडर, या हमें टी बनानी है, या कॉफी पाउडर कॉफी। ठीक है, एंड पैकेजिंग क्या होता है, प्रोसेस्ड फूड को कैसे हम पैकेज करते हैं। सेम होमोजेनाइजेशन क्या होता है, जो मिल्क होता है, देखो अगर आपने देखा होगा जो अमूल मिल्क होता है वो थोड़ा गाढ़ा होता है, ठीक है, वो थोड़ा थिक होता है एज कम्पेयर टू रेगुलर काउ मिल्क। तो क्या होता है, बेसिकली होमोजेनाइजेशन करने के लिए मिल्क को क्या करते हैं, उनको मशीन से गुजारते हैं, वो हाई प्रेशर मशीन होती हैं, तो वो मिल्क पे प्रेशर एग्जर्ट करती हैं, तो उससे क्या होता है, जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होते हैं मिल्क में, वो आपस में वो श्रिंक हो जाते हैं, वो फैट मॉलिक्यूल्स श्रिंक हो जाते हैं एंड वो साथ साथ आ जाते हैं। ठीक है, उससे जो थिकनेस होती है मिल्क की, वो बढ़ जाती है। जैसा कि हमने अमूल मिल्क में देखा होगा, अमूल मिल्क थोड़ा थिक होता है आपके रेगुलर मिल्क से। अब FSSAI देखते हैं, अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक, ये एक FPO मार्क है, ये सर्टिफिकेशन है, मैंडेटरी ऑन ऑल द प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट्स सोल्ड इन इंडिया। ठीक है, उनके ऊपर FPO मार्क होना चाहिए, फूड प्रोसेस ऑर्डर इसको बोला जाता है। इसकी सर्टिफाइंग एजेंसी कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है, इफेक्टिव कब से था, ये 1955 से, एंड इट्स मैंडेटरी सिंस 2006। FSSAI क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका काम क्या होता है, रेगुलेट करना मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूशन सेल ऑफ फूड आर्टिकल्स एंड इंश्योर करना फूड सेफ्टी। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत आगे भी पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका FPO भी, एंड अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आगे चलते हैं लेक्चर नंबर 43, अब हमें डिस्कस करना है केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड। तो ये अब हम वो वाले टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं जिसपे मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो थे उनको प्रॉब्लम आ रही है, समझने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मेजोरिटी जो है ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से है, एंड इवन जो साइंस बैकग्राउंड के भी होते हैं उनको भी केमिस्ट्री समझने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई टॉपिक आपको अभी मिल जाए जिसमें आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही हो, फाइन, इसकी पहली कंडीशन है कि आपका एटलीस्ट बाकी सारा जो है वो क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, आपके रिविजन एंड ऑल उन सब में अच्छे से हो गया है, कंसेप्ट क्लैरिटी, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, बाकी सब टॉपिक्स में ये सब अचीव आपने कर लिया है, बस अब केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड ये ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो ये गोल्डन रूल है, जब भी आपने क्या किया होगा, सारा आपका मेजोरिटी सिलेबस अच्छे से कवर्ड है, कुछ 1-2% ऐसा डेफिनेटली उसमें होगा जो सर के ऊपर से जाएगा। ठीक है, तो वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको समझने में ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, 1-2 क्वेश्चन आएंगे, इस एक टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन आएंगे, तो उनके लिए आप उनपे इतना टाइम नहीं लगा सकते कि आपका जो बाकी इजी वाला पोर्शन है वो रह जाए। ठीक है, क्योंकि ये बात हमेशा याद रखना, डिसाइसिंग फैक्टर जो होते हैं आपके, वो डिसाइडिंग फैक्टर जो होते हैं वो आपके होते हैं इजी वाले क्वेश्चंस। इजी वाले क्वेश्चंस गलत नहीं करने हैं। ठीक है, जो आप थोड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होंगे या डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे वो मेजोरिटी गलत करके आएंगे, वो आपका ये नहीं होगा, सिलेक्शन जो है उससे असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिलेक्शन का असर अमूमन किस पे पड़ता है, जो आपके सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। अब ये वो वाला टॉपिक है जहां से मेजोरिटी स्टूडेंट्स हो सकता है क्वेश्चंस गलत करके आए। ठीक है, क्योंकि सारे ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हैं एंड ये समझने में दिक्कत आ रही है। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस रटा लगाना है इसमें। ठीक
ठीक है, अब समझने का टाइम नहीं है, आपको डिटेल में नहीं जाना है कि कौन सा मेथड क्या है, कहाँ पे कौन सा क्या यूज होता था, किसका क्या एपरेटस है, वो नहीं करना है। मैंने इसमें काफी शॉर्ट में आपको शॉर्ट नोट्स बनाए हैं इस वाले चैप्टर के, तो आप क्या करोगे विदाउट गोइंग मच इनटू डिटेल, सिर्फ हर चीज का क्या याद करोगे, उसका नाम, उससे रिलेटेड कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है, फाइन। तो वो हम अभी रटा लगाएंगे इस चैप्टर का, एंड आपको भी वही करना है, इसकी डिटेल्स में इस टाइम पे जाने की जरूरत नहीं है। तो केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड क्या होता है, जिसमें बेसिकली हम फूड का कंपोजिशन देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट फैट वगैरह ये सारा परसेंटेज कितना है, ताकि हमें पता चले उसका जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है, उसके अंदर जो एडिटिव्स वगैरह है वो कितने हैं। अब वो क्यों हमें पता चलने चाहिए, फिर अकॉर्डिंगली हम सेफ्टी डिसाइड करते हैं क्वालिटी कंट्रोल एंड कंप्लायंस के लिए, और जो हम न्यूट्रिशन लेबल हमें करना होता है ना बाहर से, किसी भी जो पैक्ड फूड होता है उसके बाहर लिखा होता है ना कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है, तो उस लेबलिंग की एक्यूरेसी के लिए भी हमें केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो पता होना चाहिए। एंड इस सबसे फिर हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्म डिसीजन बना सकते हैं कि वो चीज लेनी है या नहीं। ठीक है, तो क्या क्या मेथड्स हैं कि जिससे हम जो केमिकल कॉम्पोनेंट है वो पता कर सकते हैं, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। ठीक है, अब आपको ये नहीं देखना है ये प्रॉक्सिमेट एनालिसिस क्या होता है, क्यों होता है, अगर अभी भी किसी को जानना है कि नहीं उसको डिटेल में ही पढ़ना है, तो वो लेक्चर नंबर 43 देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे मैंने डिटेल लेक्चर इन चीजों का दिया हुआ है, तो मैंने अच्छे से सारी चीजें वहां पे एक्सप्लेन करी है। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस होता है जिसे आप मॉइस्चर, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर एंड एश कंटेंट देख सकते हो। स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, ये बेस्ड, ये भी एक यही मेथोडोलॉजी है। ठीक है, ये बेस्ड होता है किस पे, ऑन इंटरेक्शन विद लाइट, इससे भी आप केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो पता कर सकते हो। क्रोमेटोग्राफी जो होता है, दिस इज सेपरेट, एंड ये करने, ये किस लिए यूज करते हैं, सेपरेट और क्वांटिफाई करने के लिए कितने कॉम्पोनेंट्स फूड में प्रेजेंट है, एंड ये किसका यूज करते हैं, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, विटामिन एंड एडिटिव्स के लिए हम इसको यूज करते हैं। मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज अगेन टू क्वांटिफाई कितने कंपाउंड्स प्रेजेंट है फूड में, एंड ये कैसे काम करते हैं, ये बताते हैं आपको मास टू चार्ज रेशियो कितना है। फाइन, इतना इतना जो मैं आपको बोल रही हूँ, बस ये सारी चीजें बेसिक बेसिक जो है इस टाइम पे रटा लगाओ, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, उतना टाइम आपके पास नहीं है, एक दो क्वेश्चन यहाँ से आएगा जो आपके रटा लगाने से भी सॉल्व एग्जाम में हो जाएगा, क्योंकि फर्दर आपको इसमें करियर परस्यू नहीं करना है, इसीलिए इतनी ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी इसके लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको दिक्कत आ रही है समझने में। इलेक्ट्रोफोरेसिस, इट सेपरेट्स प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स बेस्ड ऑन द साइज एंड चार्ज। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कौन सा मेथड क्या करता है। टाइट्रेशन क्या करता है, कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड अदर सब्सटेंस इन फूड हमें बताता है। माइक्रोस्कोपी, स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ फूड सैंपल्स, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल के लिए हमें यूज करते हैं। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये किसके लिए यूज करते हैं, मिनरल्स के लिए। तो हो सकता है जैसे एमसीक्यू आ जाए, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी किसके लिए यूज होती है, मिनरल्स के लिए। तो आगे देखते हैं मॉइस्चर डिटेक्शन, इसके लिए यूजुअली जो हम अगर ड्राइंग करेंगे फाइन फूड के अंदर से मॉइस्चर निकालने के लिए, तो हमें वो वैक्यूम में करनी चाहिए, दैट मीन्स इन एब्सेंस ऑफ एयर, क्योंकि अगर हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ओवन में आप ड्राई कर रहे हो किसी फूड को, आपको देखना है फूड का ड्राई वेट कितना है, तो वो ड्राई वेट आपको पता चलेगा जब आप पानी उसमें से हटा दोगे, उसका मॉइस्चर हटा दोगे। अब यहां से आप उसको ड्राई कर रहे हो फूड को, तो मॉइस्चर उसका डेफिनेटली हट जाएगा, लेकिन ओवन में क्या प्रेजेंट है, एयर, दैट मीन्स आपको ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड वो सेटल करेगा इस पे, आपका जो फूड आर्टिकल है उसका वेट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो आप जब एक्चुअल वेट निकालोगे, ऑल दो मॉइस्चर हट गया होगा, लेकिन ऑक्सीडेशन की वजह से फूड आर्टिकल का जो वेट है इंक्रीज हुआ होगा, तो आपको जो ओवरऑल रिजल्ट निकलेगा वो एरर, उसमें एरर आएगा। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि वैक्यूम में जितना हो सके उतना ड्राइंग मेथड यूज करें। तो मेथड कौन कौन से ड्राई हम यूज कर सकते हैं मॉइस्चर डिटेक्शन के लिए फूड में, उसमें कुछ डायरेक्ट मेथड्स है, इनडायरेक्ट मेथड है, आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं। डायरेक्ट मेथड्स में आ गया ड्राइंग, डिस्टिलेशन, ड्राइंग, डिस्टिलेशन एंड एक्सट्रैक्शन, ओवन ड्राइंग, वैक्यूम ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग, डिस्टिलेशन मेथड, कार्ल फिशर मेथड, केमिकल डेसिकेशन, थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एंड गैस क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मेथड्स होते हैं। इनडायरेक्ट है रिफ्रैक्टोमेट्री, इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन, नियर इंफ्रारेड रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोवेव एब्जॉर्प्शन, डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो इनडायरेक्ट मेथड्स हैं, इनडायरेक्ट मेथड्स हैं, बस इनके नाम याद करो, इस टाइम पे डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए जैसे एग्जाम में आ जाए रिफ्रैक्टोमेट्री जो है वो डायरेक्ट मेथड है या इनडायरेक्ट मेथड है, या एग्जाम में आ जाए जो आपका ये डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, ये माइक्रोवेव एब्जॉर्प्शन या डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है, ये हम किसके डिटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री किसके लिए यूज होता है। ठीक है, या यहाँ पे कार्ल फिशर मेथड है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे मेथड्स के नाम आपको पता होना चाहिए।
कार्ल फिशर टाइट्रेशन मेथड जो है सूटेबल होता है उस फूड के लिए जहां पे हीटिंग अगर हम करेंगे तो एक इराटिक रिजल्ट, ठीक है, अगर हम हीटिंग मेथड से यूज करेंगे मॉइस्चर डिटेक्ट करने के लिए तो एरर आ सकता है. उस एरर को हटाने के लिए कार्ल फिशर टाइट्रेशन मेथड यूज होता है. अभी क्या मेथड है अगेन, इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अभी. ड्राइड वेजिटेबल्स, ऑयल्स एंड फैट्स, ये हो गया. कोकोआ प्रोडक्ट्स, लिक्विड मोलासेस, ठीक है, कोकोआ, कभी मुझे अपना ही लिखा हुआ समझ में नहीं आता, कोकोआ प्रोडक्ट्स, ठीक है, इन चीजों के लिए जो KFT मेथड है वो यूज होता है. तो कौन सा रिएजेंट इसमें यूज करते हैं हम? आयोडीन, पायरिडीन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड मेथेनॉल. जो रिफ्रैक्टोमेट्री है इसमें याद रख लेना, इसमें ब्रिक स्केल यूज होती है. तो एग्जाम में अगर आ जाए, आपको इतना पता नहीं होना चाहिए, मतलब डिटेल अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आप लेक्चर देख लो. प्रोटीन के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं? डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट में आ गया फॉर्मल टाइट्रेशन मेथड एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड. इनडायरेक्ट में आ गया जेलडेल मेथड, ड्यूमास कंबस्टन मेथड. इसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन कंटेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर कंबस्टेड एट हाई टेम्परेचर से ऑलमोस्ट 1000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. तो ये दो मेथड के नाम भी इंपॉर्टेंट है, जेलडेल मेथड एंड ड्यूमास कंबस्टन मेथड. ये हम किसके लिए यूज करते हैं? ये इनडायरेक्ट मेथड है जो प्रोटीन डिटेक्शन के लिए यूज होता है. आगे देख लो, फैट्स के लिए कौन से यूज होते हैं? डायरेक्ट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, सोलिबलाइजेशन एक्सट्रैक्शन मेथड, ठीक है. एपरेटस का नाम है इसमें सॉलिड एपरेटस, SOXHLET, ठीक है, एंड वॉल्यूमेट्रिक मेथड. ये सारे मेथड्स किससे रिलेटेड है? फैट से. डाइट्री फाइबर के लिए क्या यूज करते हैं? एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस. क्रूड फाइबर के लिए एसिड एंड एल्कली हाइड्रोलिसिस, ठीक है. टोटल डाइट्री फाइबर की क्या फॉर्मूला है? वेट ऑफ रेजिड्यू माइनस वेट ऑफ प्रोटीन एश, प्रोटीन प्लस एश डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सैंपल इनटू 100. एंड सॉल्युबल डाइट्री फाइबर की क्या फॉर्मूला है? वेट रेजिड्यू माइनस वेट प्रोटीन प्लस एश, ठीक है. टोटल एश क्या होता है? पहले इनऑर्गेनिक रेजिड्यू है जो बच जाता है जब हम किसी ऑर्गेनिक मैटर को बर्न करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई डेड बॉडीज, एनिमल्स की या प्लांट्स वगैरह, उनको आपने क्या किया, बर्न किया, उसके बाद जो इनऑर्गेनिक रेजिड्यू बच जाएगा उसको हम टोटल ऐश बोलते हैं. तो इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड प्रोडक्ट्स पता लगा सकते हैं. इसमें ड्राई ऐश मेथड होता है एंड वेट ऐशिंग मेथड होता है. ड्राई ऐश होता है, हम कैसे इंसिनरेट करते हैं उसको, किस टेम्परेचर पे? 550 डिग्री सेल्सियस टू 600 डिग्री सेल्सियस. एंड वेट एशिंग किस लिए यूज करते हैं? एलिमेंटल एनालिसिस, अगेन वही देखने के लिए कितने एलिमेंट्स में प्रेजेंट है. एंड वेट एशिंग के लिए नाइट्रिक एसिड प्लस परक्लोरिक एसिड यूज होता है, और नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है. एसिड इनसॉल्युबल एश, ये मेजर करते हैं सैंडी मैटर एंड कितना लिमिट ऑफ हर्ब्स एंड स्पाइसेस हमें यूज करनी चाहिए अपने फूड आइटम्स में. सल्फेट एश क्या यूज करता है? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है. रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इसके लिए कौन से मेथड्स यूज करते हैं ये डिटेक्ट करने के लिए? लेन एंड आयनॉन वॉल्यूमेट्रिक मेथड. ये रिड्यूस करता है कॉपर को इन फिलिंग सोल्यूशन में, जब कॉपर को डालते हैं उसकी रिडक्शन हो जाती है इस मेथड में, ठीक है, नाम ही याद रख लो. मिथिलीन ब्लू जो है वो यूज होता है इसमें एज ए कलर, जो इंडिकेट करेगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कब कंप्लीट हो गई है. कैलोरिक मेथड जो है इसके लिए यूज होता है फिनॉल सॉल्यूशन एंड कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक. और ये किसके लिए डिटेक्ट हम यूज करने के लिए करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है. अब स्टार्च के डिटेक्शन के लिए अगेन दो मेथड्स हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस मेथड एंड एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस मेथड. एंड लास्ट में फॉर्मूला क्या आती है स्टार्च की? कितने परसेंटेज ऑफ रिड्यूसिंग शुगर है हमारे पास? इंटू 0.90, ठीक है. उससे हमें पता चलता है कितना परसेंटेज ऑफ स्टार्च जो है वो क्वांटिटी हमारे पास है जो हमें डिटेक्ट करनी है. तो यहाँ कंप्लीट होता है आपका मुश्किल वाला पार्ट. ये मुश्किल वाला पार्ट आपको क्या करना है, बस रट्टा लगाओ, ठीक है. एंड अगर डिटेल आपको देखनी है तो उसके लिए आपको पता है लेक्चर नंबर 43 है मेरे नोट्स पे, वहां से आप देख सकते हो. आई गेस 43 और 45 और 44 ऐसा ही कुछ, ठीक है. अब हो गया फूड एंड पर्सनल हाइजीन, ठीक है. तो फूड हाइजीन क्या होता है? हाइजीन बेसिकली क्या होता है? साफ सफाई. जब वो सारी चीजें हम फूड में मेंटेन रखते हैं, जहां पे फूड पकाते हैं, जहां पे फूड उगाते हैं, दैट इज योर फूड हाइजीन, ठीक है. तो ऑल कंडीशंस एंड मेजर्स नेसेसरी टू एंश्योर सेफ्टी एंड सुटेबिलिटी ऑफ फूड एट ऑल द स्टेज ऑफ फूड चेन. एट ऑल स्टेजेस ऑफ फूड चेन का मतलब हो जहाँ पे ग्रो करेगा, ठीक है, फार्मर्स के पास, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगी, प्रोसेसिंग कहाँ होगी, प्राइमरी प्रोसेसिंग, सेकेंडरी प्रोसेसिंग, वो सारी चीजें जो है फूड हाइजीन में इंक्लूड होती हैं. अगर हमें कुछ हैजार्ड्स देखने हैं एसोसिएटेड विद फूड, जिसमें फिजिकल हैजार्ड्स, बायोलॉजिकल हैजार्ड्स वगैरह हैं, तो उसके लिए कंपाइल्ड PDF में आपको जाना होगा, इस चैप्टर को खोलना होगा. एंड वहाँ पर मैंने एक टेबल दिया हुआ है, टेबल नंबर 2.1, वो इसमें आप याद कर सकते हो कौन सा हैजार्ड किस वाले इस चीज के साथ एसोसिएटेड है.
तो कुछ रूल्स हैं टू कंट्रोल द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ फूड. एक तो एग्जाम में कुछ जनरल रूल्स होंगे, जैसे क्या हो सकता है क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ फूड. आपको हैंड वॉश करने हैं बनाने से पहले, ठीक है, खाने से पहले भी, इनफैक्ट टच करने से पहले, या आपका हेयर टाइड अप होना चाहिए, फाइन. एंड आपने ज्वेलरी ऐसी नहीं पहनी होनी चाहिए जो स्टक हो सके फूड आइटम में. तो वो जेनरिक स्टेटमेंट से वहां से आप आंसर कर सकते हो. तो यहाँ पे देख लो कुछ पर्टिकुलर वाले. रिहीट करो फूड को, अगर करना होगा तो 75 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रखो. एंड फूड को रिहीट सिर्फ हमें एक बार करना चाहिए. एंड जो फूड जिनको रेफ्रिजरेशन की जरूरत है, तो बिलो 8 या कहीं पे 5 to 8 डिग्री भी लिखा होगा, ठीक है, इसके बीच में कोल्ड स्टोरेज होनी चाहिए. पर्सनल हाइजीन में देखो, पर्सनल हाइजीन भी जेनरिक सी चीजें मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं की. अपना हाइजीन जो मेंटेन करना चाहिए बिफोर कुकिंग, या कोई भी अगर आपको किचन में जाना है कहीं भी, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है. फूड सेफ्टी इन किचन क्या होगा, उसमें दो चीजें देख लो, एफआईएफओ एंड एफईएफओ. एफआईएफओ होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दैट मीन जो फूड आपने पहले रखा होगा यूज करने के लिए, पहले फ्रिज में रखा होगा, उसको पहले निकालो. मतलब पहला फूड जो बना है उसको पहले यूज करो. फर्स्ट एक्सपायर्ड फर्स्ट आउट, तो जो पहले ये हो जाएगा एक्सपायर हो जाएगा उसको पहले बाहर फेंक दो, ठीक है. तो कोल्ड स्टोरेज एट 5 डिग्री सेल्सियस, वही 5 to 8 वाला मान के चलो. एंड फ्रीज करने के लिए फ्रीजर्स का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, -18 डिग्री सेल्सियस. और टेम्परेचर ऑफ कुक्ड फूड वो कितने पे आपको कुक करना है, 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. सेफ्टी इन ड्राई स्टोरेज रूम्स, अब जो ड्राई रूम्स है जहां पे हम पल्सेस वगैरह स्टोर करते हैं, तो पहले तो वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए. एंड जो फूड है दैट नीड्स टू बी हेल्ड फॉर 2 or 3 डेज, उसके लिए टेम्परेचर होना चाहिए 10 to 15 डिग्री सेल्सियस. लाइक यू ब्रेड एंड बेकरी वगैरह जो हमें 2-3 दिन के लिए रखनी होती है, तो 10-15 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर में वो नहीं रखनी चाहिए. अब ये आ गया आपका FSSAI का. थोड़ा फिर से फूड स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन इन इंडिया कैसे होती है, ये ऑटोनोमस बॉडी है FSSAI, जो इस्टेब्लिश हुई है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. किस एक्ट से, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, ठीक है. तो ये फॉलो करती है वन नेशन वन फूड लॉ, दैट मीन्स सेंट्रल लॉ है, पूरे कंट्री के लिए सेम लॉ है. ये रेगुलेट करते हैं मैन्युफैक्चर, ये जो बॉडी है रेगुलेट करती है मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इम्पोर्ट ऑफ फूड टू फैसिलिटेट फूड सेफ्टी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा. जो FSSA एक्ट है, ये क्या, इसमें क्या क्या चीजें हैं इंपॉर्टेंट, ये देखते हैं. जो भी हम एडिटिव्स ऐड करेंगे, वो कौन से एडिटिव्स हम किस चीज में ऐड करते हैं, उसका भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था, वो टेबल गिवन है पीडीएफ में, वहां से वो एक बार ही देख लेना. वो होना चाहिए इन अकॉर्डिंग टू द फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एंड फूड एडिटिव रेगुलेशन 2011. कितने नेचुरली ऑकरिंग टॉक्सिक सब्सटेंस एंड कंटामिनेंट्स जो है वो फूड में ऐड हो सकते हैं, वो भी इस रेगुलेशन पे डिपेंड करते हैं. कोई भी इंसेक्टिसाइड जो है डायरेक्टली फूड पे स्प्रे हमें स्प्रेड नहीं करना चाहिए, स्प्रे नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट वो जो रजिस्टर्ड होंगे अंडर इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968. दैट मीन जो इस पेस्टिसाइड्स इस एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है, ठीक है, उसके अलावा आप कोई भी डायरेक्टली स्प्रे नहीं कर सकते हो. कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स आपको ऐसी नहीं बनानी है जो आपके ऑडियंस को, कंज्यूमर्स को मिसलीड करे. फिर आगे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2011, ये क्या कहता है. जो भी फूड वेंडर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन या लाइसेंसिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है. कोई भी कैंटीन्स एंड कैफेटेरिया जो होते हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट कैंटीन्स जो ऑफिस वगैरह में कैंटीन्स या कॉर्पोरेट कैंटीन्स होते हैं, कॉर्पोरेट कैंटीन्स होते हैं जैसे जो कंपनीज वगैरह में एम्प्लॉयज के लिए कैंटीन्स बने होते हैं, ठीक है, वो. एंड एडॉप्शन ऑफ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, जिसको हम फूड सेफ्टी मैनेजमेंट FSMP भी बोलते हैं. फूड सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान क्या होता है, इसमें पहले आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस कौन सी हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जिसको शॉर्ट में GMP बोलते हैं, गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस, वो सारी चीजें आती हैं, ठीक है, ये हम थोड़ा आगे भी देखेंगे. हैजार्ड एनालिसिस करना, ठीक है, HACCP मैनेजमेंट सिस्टम विच इज ए हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये यहाँ पे देखेंगे. कम्युनिकेशन दैट मीन्स फूड प्रोडक्शन ग्रोइंग, सारे जो भी स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जितने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके बीच में क्या होना चाहिए, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, फाइन. और जो FSMP का मेजर ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, एंश्योर करना मैन्युफैक्चर स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ सेफ फूड. तो आगे चलते हैं हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, इसका एम क्या होता है, प्रिवेंट करना एंट्री ऑफ ए पैथोजन इन ए फूड चेन टू अवॉइड फूड सेफ्टी प्रॉब्लम्स. तो इसमें क्या आता है कि जो पूरी फूड चेन है जहां से फूड ग्रो हो रहा है तब से लेकर जब तक आपके टेबल पे पहुंचेगा तब तक सारी प्रिवेंशन जो है हमें देखनी है, कहीं पे भी पैथोजन की एंट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो फूड सेफ्टी प्रॉब्लम्स हो जाएगी, फूड खराब हो जाएगा, जो उस फूड को कंज्यूम करेगा उसकी हेल्थ भी खराब हो जाएगी, ठीक है. एंड इसके कुछ प्रिंसिपल्स है, 7 प्रिंसिपल्स है. तो पहला प्रिंसिपल है कंडक्ट अ हैजार्ड एनालिसिस, ठीक है, इसका टेबल भी दिया हुआ है कंपाइल पीडीएफ में, वहां से भी आप देख सकते हो उस पीडीएफ से. तो हैजार्ड एनालिसिस में क्या होता है, फिजिकल हैजार्ड्स, केमिकल, बायोलॉजिकल. फिजिकल हो गए जैसे ग्लास कुछ चला गया अगर खाने में जहां इंसान पका रहा है, या मिस हैंडलिंग हो गई, कोई स्टोन चला गया, ठीक है, ऐसी सारी चीजें.
मेटल चला गया, केमिकल होता है प्रिजर्वेटिव ज्यादा क्वांटिटी में ऐड हो गए, एडिटिव्स देख के नहीं ऐड किए कौन से ऐड करने थे, पेस्टिसाइड्स वगैरह ऐड हो गए, बायोलॉजिकल में वायरल बैक्टीरियल एक्टिविटी जो है वो फूड आर्टिकल में थोड़ी ज्यादा हो गई, तो दैट इज हजार्ड एनालिसिस पहले वो कंडक्ट करना है। फिर डिटर्मिन करने हैं कुछ क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ठीक है। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स क्या होते हैं, वहां पे जहाँ पे हैंडलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पॉइल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फूड प्रोडक्शन में पेस्टिसाइड्स अगर स्प्रे कर रहे हो तो कितनी क्वांटिटी में स्प्रे करनी है, ठीक है, या अगर कुकिंग करें तो किस टेम्परेचर पे हमें कुकिंग करनी है, ऐसे कुछ हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। पहले हमें वो देखने क्या है, फिर उनके लिए लिमिट एस्टेब्लिश करनी है। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग करें तो किस टेम्परेचर तक करनी है, जैसे 70 डिग्री सेल्सियस तक आपको हीट करना है, ठीक है, ये सारी चीजें देखनी है। एस्टेब्लिशिंग मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स, ठीक है, मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जो लिमिट है आपकी क्रिटिकल लिमिट है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए किसी रीजन की वजह से, तो वो क्यों हो गई, ठीक है, वो सारी चीजें जो है वो देखना, मॉनिटर करना। फिर उसके बाद उनके एक्शंस करना, करेक्टिव एक्शंस, कि अगर लिमिट इंक्रीज या डिक्रीज हो गई पहले तो आपने देखा वो क्यों हो गई, फिर बाद में उसको करेक्ट कैसे करोगे। वेरिफिकेशन प्रोसेस है, सारे प्रोसेस का रिव्यू करना, ऑडिट करना, ठीक है, वो आपका सिक्स वाला आ गया। सेवेंथ इज रिकॉर्ड कीपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर्स, जो भी अब आपने सब काम किया हुआ है तो उसके आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, आपको पता होने चाहिए इंग्रेडिएंट्स जो है वो कितनी क्वांटिटी में डाले हुए हैं, ठीक है, एंड जो FSSAI मार्क होता है, एग मार्क होता है, ऐसी सारी चीजें जो होती है वो सारी जो है आपके जो भी फूड आइटम पे हो, फूड आइटम होगा उस पे है कि नहीं, वो सारा जो है वो एक डॉक्यूमेंटेशन उसकी तैयार होनी चाहिए, ताकि कहीं कभी भी अगर किसी को जरूरत पड़ती है, फाइन इन्वेस्टिगेशन कोई होती है, कोई ऑडिटिंग होती है, तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। सिर्फ आप बोलोगे, अगर आप कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, आप मैन्युफैक्चरर हो, आपके सिर्फ बोलने पर डिपेंड नहीं करेगा कि फूड सेफ है, ठीक है, तो सारी चीजों की वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। फिर कुछ प्री रिक्विजिट प्रोग्राम होते हैं जो एंश्योर करते हैं सेफ्टी ऑफ द फूड, तो पहले एक उसमें आता है जनरल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस, गुड स्टोरेज प्रैक्टिसेस, ठीक है, एंड गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। ये जो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है किसने एस्टैब्लिश किया था, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एंड किस लॉजिक पे, फ्रॉम फूड टू टेबल, जहां से फूड ग्रो होता है तब से लेकर फूड टेबल तक एक क्या हमें फॉलो करनी है, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अगेन मैन्युफैक्चरिंग की भी गुड प्रैक्टिसेस, गुड हाइजीन भी, गुड स्टोरेज भी होनी चाहिए, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस भी, एंड ये किसने एस्टैब्लिश किया था, इन सबसे ज्यादा काम इसमें किसने किया था, OECD ने, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो BAPA है बेस्ट एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस, ये किसने एस्टैब्लिश किया है, ग्लोबल एक्वाकल्चर अलायंस ने, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशंस देखो, BIS इज योर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये किसके अंडर आता है, इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016। क्या करता है ये, लाइसेंस देता है उन मैन्युफैक्चरर्स को जो कवर करते हैं ऑलमोस्ट सारे इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन्स, फ्रॉम एग्रीकल्चर टू टेक्सटाइल टू इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, तो जितने भी इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन्स है उनकी लाइसेंसिंग का काम कौन करता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड अंडर एक्ट, इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016। एंड किस मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। फिर एग मार्क हो गया आपका, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये कौन देता है, ये आगे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट का नाम क्या है, डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। एम क्या है, एंश्योर करना क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स के लिए, तो ये क्या करता है, ये क्वालिटी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए डिफरेंट ग्रेड्स दे देता है क्वालिटी के अकॉर्डिंग, तो इन्हीं ग्रेड्स पे क्या होता है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी रेट्स जो है वो वैरी करती है। फिर कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो ये काम करती है मैन्युफैक्चरिंग सारी फूड सेफ्टी का जो इंश्योर करती है, एक है आपका कोडेक्स एलिमेंटेरियस, ये किसने स्टार्ट किया, बाय FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये भी इंश्योर करता है फेयर प्रैक्टिसेस इन फूड ट्रेड, ट्रेड में फेयर प्रैक्टिसेस हो, ठीक है, और प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ, फाइन, ये इंटरनेशनल गाइडलाइंस है जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करनी होती है। एंड ये किन किन फूड आइटम से रिलेटेड है, फ्रूट वेजिटेबल मीट पोल्ट्री प्रोडक्ट्स पल्सेस एंड सीरियल्स। अब कोडेक्स इंडिया जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस की यहाँ पे सारी एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट करवाता है, वो बॉडी का नाम क्या है, कोडेक्स इंडिया, ये किसके अंडर है, नेशनल, तो इसको बोला ये है इसके अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, ठीक है, एंड बोलते क्या है इसको, नेशनल कोडेक्स कॉन्टैक्ट पॉइंट इंडिया, ये कोऑर्डिनेट करते हैं कोडेक्स एक्टिविटीज इंडिया में। फिर ISO आ गया आपका, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसमें मोर देन 164 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड इसके मेंबर्स हैं। ये क्या करता है, ये पब्लिश करता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो कवर करती हैं वेरियस इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ISO 9000 एंड ISO 14000। जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है कब स्टैब्लिश हुई थी, 1945 में, WHO 7th April 1948,
और एक बॉडी देख लो, ज्वाइंट एफएओ है, डब्ल्यूएचओ एक्सपर्ट कमिटी ऑन फूड एडिटिव्स, जिसको शॉर्ट में JECFA बोलते हैं। ये देखती है कि सेफ लेवल ऑफ फूड एडिटिव्स कितने हैं जो हमें अपने फूड आर्टिकल्स में ऐड करने होते हैं, ठीक है। सेफ लेवल क्या है वो ये बताती है। इस्टेब्लिश हुई थी 1956 में। ये एक्ट करती है एज साइंटिफिक एडवाइजरी बॉडी टू कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, ठीक है। उसकी मेंबर नहीं है, बस एक साइंटिफिक एडवाइजरी बॉडी एक्ट करती है उसके लिए। फिर आ गया आपका एक इंडेक्स, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-23। ये कौन लेके रिलीज करता है? FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसमें आपको क्या याद रखना है, यूनियन टेरिटरीज में JNK का रैंक 1 है, एंड स्टेट्स में, लार्ज स्टेट्स में केरला रैंक 1 पे आती है, एंड स्मॉल स्टेट्स में गोवा रैंक 1 पे आती है। JNK नंबर 1 पे रैंक है, दिल्ली सेकेंड नंबर, एंड चंडीगढ़ थर्ड नंबर पे यूनियन टेरिटरीज में, ठीक है। इतना याद रख लो। ये मैराथन सीरीज आपके 5 यूनिट्स का यहाँ पे कंप्लीट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। फाइनली मैं भी एक राहत की सांस ले सकती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट MCQs आएगा, वो भी होपफुली कल या परसों आपका आ जाएगा, फिर हम स्कीम्स रिवाइज करेंगे। एंड आपके साथ साथ जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वो वीडियो सीरीज स्टार्ट की है कवरिंग डिफरेंट यूनिट्स, तो मैं उसके नेक्स्ट यूनिट्स भी लेके आऊंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, मेरे साथ साथ रिवाइज करना होगा। जिस दिन मैं जो वीडियो लेके आऊंगी, उस दिन उस मेरे वीडियो देखने के बाद आधा घंटा या एक घंटा आप फिर से उस टॉपिक को दे दोगे, और साथ में दोबारा खुद से भी रिवाइज करोगे। इफेक्टिवली कैसे रिवाइज करना है उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसमें साइंटिफिकली प्रूवन चीजें हैं जिससे आपका रिविजन ईजी हो जाएगा। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कॉमेंट से बताएं आपको वीडियोज कैसे लगते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।